नमस्कार दोस्तों, ए वर्मा क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नाउन को हम लोग सीखेंगे और नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको टीईटी एग्जाम में यूपीटेट सीटेट बीटेट में मिलते हैं। आप मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से करिए। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं और थोड़ा सा आप ध्यान से इसको करेंगे तो आप एक या दो क्वेश्चन आप डेफिनेटली आप कर पाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होंगे, क्वेश्चन बड़े इजी होंगे। हम इसको थॉरली जो है कवर करेंगे नाउन के बारे में। लेटर ऑन एक्सरसाइज वगैरह भी हैं। अगर आपको लगता है कि सीधे आपको एक्सरसाइज पे जाना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के आप जा सकते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। और मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे इसको आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, बिकॉज यही एक कंट्रीब्यूशन है जो आप कर सकते हैं और इससे हमें अपने काम को और बेहतर करने में हमको मोटिवेशन मिलता है और हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो नाउन किसको कहते हैं? एक्चुअली अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग। बेसिकली अगर हम बोलें तो अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज को जो हम नाम देते हैं, और वी कैन से ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या है? नाउन को हम 5 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में हम बात करें तो प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, मटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। जो हमें मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं टीईटी के एग्जाम में वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन से हमको ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। आप एक बार बेसिकली सभी को देखिए और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन एंड कलेक्टिव पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा यहीं से मिलेंगे। नाउ प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? राम श्याम, ये किसी के नाम है, किसी सिटी का नाम हुआ, रिवर का नाम, किसी बुक का नाम। तो ये सारे एक नाम है किसी पर्टिकुलर चीज के, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। किसी कंट्री का नाम हो सकता है चाइना, किसी बुक का नाम बाइबल, किसी फेस्टिवल का नाम दिवाली, किसी मंथ का नाम मार्च। ये सारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास, पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एंड अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है बिकॉज ये एक कंट्री का नेम है, हमारी कंट्री का नेम है। जबकि अगर हम बात करें कंट्री क्या है, कंट्री कौन सा नाउन है, तो कंट्री एक कॉमन नाउन है बिकॉज कंट्री सारे कंट्रीज को जो है रिप्रेजेंट करता है, ये कॉमन हो गया सारी कंट्री के लिए। बुक, बुक एक कॉमन नाउन है। बट अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर बुक की, हम बात करें रामायण की, हम बात करें गीता की, तो वो एक प्रॉपर नाउन है, जबकि बुक क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। रिवर, रिवर रिप्रेजेंट करता है सारी रिवर्स को, तो रिवर एक कॉमन नाउन है। बट अगर हम बात करें यमुना की, तो वो क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है। आप एग्जाम्पल देखिए ऐसे प्रियंका, प्रियंका इज अ प्रॉपर नाउन, ये किसी का नाम है। बट अगर हम बात करें गर्ल की, तो गर्ल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज ये सारी गर्ल के लिए कॉमन नेम हो गया। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एक कॉमन नाउन है बिकॉज ये सारे न्यूज़पेपर को हमने एक कॉमनली हमने एक नेम दिया। और अगर हम बात करते हैं दैनिक जागरण की, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ प्रॉपर न्यूज़पेपर। ओके, नाउ व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? सो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन। फॉर एग्जाम्पल टीम, टीम में प्लेयर हैं। ओके, काफी सारे प्लेयर्स को मिला के एक टीम बन रही है। बट जब हम उस सारे ग्रुप को, उन सारे प्लेयर्स की को एक कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं टीम। तो टीम क्या हुआ, टीम इज अ कलेक्टिव नाउन और ये हमने एक
नंबर ऑफ पर्सन को हमने उनको एज अ वन कंसिडर करते हैं, वो नाम दे दिया क्राउड। क्राउड में बहुत से लोग हो सकते हैं, कौन सा नाउन होगा, एक कलेक्टिव नाउन। फैमिली, फैमिली में नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ फ्लावर्स कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स कलेक्टिव नाउन है। नाउ फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। सो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस, नेम ऑफ ए सब्सटेंस, किसी चीज का नाम है, दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेट बट नॉट काउंटेड। तो कोई भी चीज जैसे वाटर हम पी सकते हैं, वी कैन ड्रिंक, बट हम काउंट नहीं कर सकते। सुगर मेजर कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं, बट हम काउंट नहीं कर सकते। गोल्ड, लंच, डिनर, तो ऑल दीज आर नेम ऑफ सब्सटेंसेस। ये क्या है, सब्सटेंसेस हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वेट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। वूल, तो ये सारे क्या है, कौन किस चीज के एग्जाम्पल है, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। अभी आप देखिए, एक वुड लकड़ी को कहते हैं, क्या है, मटेरियल नाउन है, ओके। बट इसी वुड से हमने एक चेयर बना लिया तो क्या हुआ, ये मटेरियल नाउन है? नहीं, वुड से हमने चेयर बनाया, टेबल बनाया, बेंच बनाई, ये सब हमारे कॉमन नाउन हो गए, बिकॉज ये जो है सारी चेयर्स को हमने एक कॉमन वर्ड से हमने जो है रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये कॉमन नाउन हो गया, ओके। नाउ फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको ध्यान से देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे, और नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही रिलेटेड होते हैं। तो नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग व्हिच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। क्या मीनिंग हुआ, इट मींस कि इट इज अ नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब किसी चीज को हम कह रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हम उसका सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं, बट वी नो कि हाँ ऑनेस्टी होती है, ओके। हम कह सकते हैं कि ये इसका हम सोच सकते हैं, वी कैन थॉट अबाउट दिस। पॉवर्टी, ब्यूटी, डार्कनेस, वीकनेस, ट्रूथ, लव, स्लीप, डेथ, ये सारी क्या है, एक तरीके यू कैन से कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं, ओके। नाउ अभी आप देखिए कि जो भी एक्शंस होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑल द एक्शंस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइक वॉकिंग, रनिंग, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी साइंस, आर्ट्स लाइक फिजिक्स, पेंटिंग, ये सारी आपकी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ डिजीज लाइक फीवर, कैंसर, ये सारे भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमेशा याद रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल ए एन द यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में द को हम यूज कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो है ये ए एन द आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यूज नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये बड़े ही अच्छे समझ में आ गया होगा, बड़े ही ब्रीफली हमने कवर किया है, बट सिंपल है। और थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से आप इसको रिवाइज करिए, वीडियो को आप शुरुआत से देखिए, आपको क्लियर होगा। अभी हम सब्सिक्वेंटली हम नाउन से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे, ओके। सो चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो वर्ड है इसका नाउन क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑनेस्ट, इसका आंसर है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। आपने लास्ट अभी वीडियो में देखा जो है कि ये ऑनेस्टी आप टच नहीं कर सकते, बट यू कैन थॉट ऑफ। तो ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो राइट आंसर इज द ऑनेस्टी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड स्लैक्ट। नाउ क्या होगा इसका नाउन फॉर्म क्या हो सकता है? सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिंग, सिलेक्शन, सिलेक्टेड, ओके। तो सिलेक्टिविटी में कंफ्यूज मत होइएगा, सिलेक्शन इज द नाउन फॉर्म, बिकॉज सिलेक्शन ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए बना,
Next question. I respect the beliefs of my astrologer. The underlined word is belief kya hai? So it's a noun. Correct answer is a noun. Now next question. Choose the noun form of the given word strong. Kya kya option hai? Strongly, strongness, strength, spending. So correct answer hai strength. कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. यू कैन आप फील कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, टच नहीं कर सकते आप स्ट्रेंथ को. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. देखिए बी ऑप्शन जो है स्ट्रांगनेस, इससे कंफ्यूज मत होइएगा. करेक्ट आंसर इज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज द करेक्ट नाउन फॉर स्ट्रांग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ नाउन. हमें इन चार ऑप्शन में से देखना है नाउन कौन सा है. तो इंटरेस्टिंग तो नाउन नहीं है, डेवलप भी नाउन नहीं है. टीचर, यस टीचर करेक्ट आंसर है. टीचर नाउन है. कौन सा नाउन है ये? ये कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन कैसे हुआ? क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे टीचर की हम बात कर रहे हैं. हमने सारे टीचर्स को एक नाम दिया हुआ है, तो टीचर सभी टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है. तो इट्स अ कॉमन नाउन. करेक्ट आंसर है आपका सी. Next question, choose the correct noun. The dog picked up the dot dot of the thief. तो क्या इसका correct answer होगा? देखिए a sent, s e n t, ये होता है किसी को भेजना. Okay, s c e n t, sent means उसका smell, gun. So correct answer क्या है? B. Sent is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द नाउन फॉर्म द गिवन वर्ड ग्रेव. ग्रेव का नाउन फॉर्म क्या होता है? तो ये इसका आंसर है ग्रेविटी. जी आर ए वी आई टी वाई, ग्रेविटी. डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एनेस्थेटिक इज. तो ये क्या है? एनेस्थेटिक आपका नाउन है और ये एडजेक्टिव भी है. सो करेक्ट आंसर इज बोथ, वन एंड थ्री. इट्स एन एडजेक्टिव एज वेल एज अ नाउन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू अ नाउन. किसको में चेंज करना है? अप्रूव को. अप्रूव को हमको नाउन में चेंज करना है. सो अप्रूविंग इज द करेक्ट आंसर. नहीं, अप्रूविंग नहीं है, अप्रूवल इज द करेक्ट आंसर. तो अप्रूवल इज अ नाउन फॉर्म फॉर द वर्ब अप्रूव. अप्रूवल, यस अप्रूवल इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द नाउन ऑफ द वर्ड पेडागॉजिक. तो इसका नाउन फॉर्म पेडागॉजिक का नाउन फॉर्म है पेडागॉजी. सी. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाय चेंजिंग एफ इनटू वीएस. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. किस वर्ड का जब हम प्लूरल करते हैं तो एफ की जगह वीएस आ जाता है. तो चीफ, रूफ, गर्ल कोई भी नहीं है, बट हाँ थीफ. थीफ का प्लूरल जब हम करते हैं तो वो थीफ्स हो जाता है. T-H-I-E-V-E-S, thieves हो जाता है. So correct answer is a thief. Change the following verb into noun. Succeed. Succeed को हमें convert करना है noun में. So correct answer इसका क्या है आपका? Success. C is a correct answer. Success, succeed का. Okay. So exercise आपने की, आपने नाउन के बारे में ब्रीफली आपने हमने पढ़ा. तो अभी आप, मुझे लगता है कि आपका नाउन को लेके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो जाएंगे. तो हमने बड़ा ही ब्रीफली इसको कवर किया हुआ है. आप एक बार, अगर आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए. हाँ, एक्सरसाइज आप दोबारा कीजिए और उसको दोबारा अगेन एंड करते रहिए उसको आप. इससे आपको एग्जाम में बड़ा ही क्विकली आंसर्स को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको ईजी होगा. और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए. थैंक यू.